आप सबने जब कश्मीर फाइल देखी तो उसका जो आखिरी स्पीच था, कृष्णा जो स्पीच देता है और जिसमें कश्मीर की पूरी परंपरा का वर्णन आधुनिक रूप से करता है कि कैसे वो नॉलेज सेंटर था, पावर सेंटर था, नॉलेज पे कब्जा यानी पूरी दुनिया पे कब्जा, और उसने कहा कि आज का जो सिलिकॉन वैली है अमेरिका, उस समय कश्मीर सिलिकॉन वैली था, कश्यप ऋषि आए वहां से कश्मीर की, उसने उद्भव की बात की, और पंचतंत्र से लेकर और आयुर्वेद तक, दर्शन से लेकर योग तक के पूरे विकास सारे ऋषियों का वो नाम लेता है। उसमें वो एक सूफी का नाम लेता है, मैं जिस समाजशास्त्र से पढ़ा हूं मुझे याद है समाजशास्त्र में सूफी संत करके पढ़ाए जाते थे, और जब मध्यकाल भारत में की किताब जो है जो आपको पूरे बीए में पढ़ाया जाता है उसमें है, कट्टर इस्लाम के लिए शब्द है सनातनी इस्लाम, सनातन पंथी इस्लाम, और सनातन पंथी यानी कट्टर इस्लाम में सुधार के लिए सूफी आंदोलन चले, ऐसे ऐसे शब्द गढ़े जाते हैं, ऐसे ऐसे शब्द गढ़े गढ़े हैं कि हम लोगों को भी तब लगता था स्टूडेंट में कि सूफी बड़े, और हमको तो तब लगता था, आज भी अगर यदि हम देखें, हमारे प्रधानमंत्री जी को सुने, गृह मंत्री अमित शाह जी को सुने, वो कहेंगे कश्मीर की सूफी परंपरा, आप दोनों के मुंह से मैं सुन चुका हूं इसलिए बता रहा हूं, कभी वो नहीं कहते कश्मीर की सैब परंपरा, कि सैबिज्म ने यानी सैब ने किस तरह से कश्मीर को गढ़ा, इसकी बात वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा नरेशन बिल्डअप हुआ वो सारा सूफी बात को लेकर, इसलिए वाजपेयी जी को कश्मीरियत कहते थे, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, डॉक्टर करण सिंह ने भी कहा कश्मीरियत, ये जो कश्मीरियत एक नया शब्द गढ़ा गया, उसमें सैब परंपरा धकेल दिया गया, बौद्ध और सैब परंपरा, बौद्ध परंपरा, उन सबको साफ करते सूफिज्म कर दिया गया, यानी उस जो नॉलेज सेंटर पे सूफिज्म ने ये बदलाव किए, सूफिज्म मॉडरेट इसका नाम लाया, और ऐसा मॉडरेट कि 90 के दशक में आप देखते हैं कि हिंदू पंडितों का पलायन हुआ, संहार हुआ। तो ये जो सूफी है, इस सूफी ने भारत को बड़ा छला, और ये कृष्णा अपने डायलॉग में बोल रहा है कि वो सैनिक उनके साथ आते थे, और उसने जब कहा कि भूमि पे कब्जा कर लिया, सब पे कब्जा कर लिया, पर विचारों पे कैसे कब्जा करे, फिर तो उसने कहा कि आप तो कन्वर्ट हो, सर को मैं खतना होगा तुम्हारा, बीफ मुंह में ठूसे जाते थे, नहीं तो बूट के तले रौंदे जाते थे, और रौंदते कौन थे, वो सूफी, और उसमें उसने एक बड़े सूफी का नाम लिया, आपको जो है सूफी का नाम था मीर शमसुद्दीन मोहम्मद एराकी, ध्यान से अगर फिल्म देखा आपने देखा होगा तो एराकी, एराकी जो है, और जब जेएनयू टाइप का जो आज का कूल डूड है कहता है ज्ञान मत पेलो, ज्ञान मत पेलो, तो वो कहता है, जब वो बताता है कहता है ये सब माइथोलॉजी है, तो वो कहता है कि ये एराकी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, तब वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि यदि उस समय के इस्लामिक इतिहासकार, दरबारी इतिहासकारों की पुस्तकें हम पढ़ें तो वो ज्यादा साफ हैं कि हम मार के जेनू तलवाते थे। ये जो मॉडर्न आए 1947 के बाद, ये तो मुगल और तुर्क से भी खतरनाक, अंग्रेजों से भी खतरनाक, और आज आपने देखा कि जब कश्मीर फाइल आई है तो एक पूरा कुनबा खड़ा हो गया कि इससे नफरत बढ़ रही है समाज में, यानी सच को दबाना है, नॉलेज पावर को कास करना है, ये अमेरिका जो कर रहा है अभी, ये जो कश्मीर में हुआ वो आज भी चल रहा है, और इसीलिए मैंने आपको उदाहरण भी दिए कि जब प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस सरकार में आई 52 के बाद, तो 55-57 की बात है, कांग्रेस की एक मेंबर थी, लेडीज मेंबर, उसने संसद में बहस किया कि हमें सेकुलर इतिहास पढ़ाना है, हमें आक्रांताओं ने जो हिंदुओं का सर्वनाश किया वो नहीं पढ़ाना है, और बकायदा 80 के दशक में तो बंगाल के विधानसभा में वहां की एजुकेशन पॉलिसी में इसे लागू कर दिया गया कि हमें हरे टिड्डों के आक्रांता व्यवहार को नहीं पढ़ाना है, मूर्तियों को टूटने को नहीं पढ़ाना, इनका कन्वर्जन नहीं पढ़ाना। तो अब जब कश्मीर फाइल से ये साफ दिखा तो वो कह रहे हैं नफरत बढ़ रहा है, नफरत तो तुमने 47 में मारे 10 लाख, तब नफरत तुम्हें नहीं दिखा, डायरेक्ट एक्शन दे किए 46 में, तब तुम्हें नफरत नहीं दिखा,
90 के दशक में कश्मीर घाटी को हिंदुओं से विहीन किया तब तुझे नफरत नहीं समझ में आ रहा, तूने नफरत से ही किया। आज की पीढ़ी यदि तुझसे नफरत करती है तो नफरत का जवाब नफरत ही है। मैं नहीं मानता प्रेम अहिंसा ये सब चीजें, ये ढकोसलेबाजी मुझे पसंद तो नहीं, मैं तो साफ बोलता हूँ। अब उस इराकी का जो जिक्र किया, उस इराकी के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड क्लियर करता हूँ कि सबसे पहले रिंचन थे वहां जो शासक थे, उन्होंने इस्लाम मजहब अपनाया, हर जगह धर्म लिखता है, धर्म मत कहिए, और उनका नाम पड़ा सदर अल दीन। सदर अल दीन नाम पड़ा रिंचन का, और वो जो रिंचन जो एमजे अकबर आपको बताया जो पहले हमारे सरकार में विदेश मंत्री बने, वो भी उन्होंने कहा ब्राह्मणों से दुखी होकर रिंचन ने इस्लाम अपनाया, परंतु बाद में आपको यूनेस्को द्वारा, मैंने आपको बताया कि यूनेस्को की इतिहास में शोध में, इन यूनेस्को की शोध में एन ए बलूच और ए क्यू रफीकी ने इसे सब कहा कि ये झूठ है, और साफ साफ उन्होंने कहा कि इस्लाम को रिंचन ने अपनाया बुलबुल शाह के प्रभाव में, और बुलबुल शाह कौन था, सूफी। यानी सूफी का काम आपके लिए क्लियर हो गया कि सूफी वो इस्लामिक हथियार थे जिनका इस्तेमाल कन्वर्जन के लिए किया जाता था, और जिससे एक मॉडरेट इस्लाम का सकल गढ़ा गया कि हिंदू जातिवादी में बटे थे, ब्राह्मण सताती थे, तो वो जो निचली सब जातियां थी वो सब कन्वर्ट हुई, क्योंकि सूफीज्म में समानता का बात का बोध था और सूफी सबको समान व्यवहार करते थे, सूफी रहस्यवादी थे। कई बार तो ये भी कह दिया गया कि पैदा हुआ इस्लाम उस समय, और कह दिया गया कि शंकराचार्य पे भी सूफी का प्रभाव था। ऐसे ऐसे इतिहास भारत में लिखे गए, ऐसे ऐसे। तो उसमें वो इराकी का जिक्र करता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि इराकी जो है वो कौन था, और इसका पूरा नाम था सैयद मोहम्मद मुसाफी इस्फहानी, अर्थात मीर शमसुद्दीन इराकी। मीर शमसुद्दीन इराकी, और आपको दो चीजों के छल किए गए, मुझे बुरा लगेगा लोगों को, मैं बुरा और अच्छा नहीं मानता, मैं साफ बोलना मैं पसंद करता हूं। पहला कि सूफी के आड़ में आपसे छल किया गया, एक। दूसरा कहा गया सुन्नी कट्टर हैं, सिया बड़े अच्छे कहा जाता। अभी अभी कलवेश जवाब को आपने देखा है कि वो नफरत उगल रहे हैं, उनको सारे बड़े बड़े यहाँ के भारतीय जनता पार्टी से लेके, और कई संत हमारे अपने जो अली मौला संत हैं वो सब भी उसको लेके घूमते थे। अभी क्या कहा उसने, और आपको जाना है, मैं उस पर एक शो आपको करूंगा कि गुजरात में भागवत कथा हो रहे हैं जगह जगह, भागवत कथा में कुछ, भागवत कथा में मुरारी बापू भी हैं, और भागवत कथा में तू मेरी जान है राधा, तुझ पे कुर्बान है राधा, और महिलाएं नाच रही है और नोट उड़ाए जाते हैं, किस तरह का भागवत कथा है। और उसमें एक गुजरात का बड़ा सूफी कव्वाल है, उसको बुलाया जाता है, उसको संजय लीला भंसाली ने उसको ब्रांड किया है, और ये जो आपके कथावाचक हैं वो उनको हर सब जगह मंच देते हैं, और राधा के लिए तू मेरी जान है राधा, तुझ पे कुर्बान में राधा, इस तरह के गाने पे महिलाएं नाचती है, नोट उड़ाए जाते हैं बकायदा, उस पर मैं शो करूंगा। यानी सूफिज्म जो हिंदू धर्म को डाइल्यूट करके और इस्लाम का सॉफ्ट पावर के रूप में उपयोग हुआ, वो आज भी चल रहा है, और मुरारी बापू के मंच से मैं आपको उस पे कभी शो दूंगा, एक एक का मैं अध्ययन कर रहा हूं, और तब आपको बताऊंगा कि आप उसी ट्रैप में हैं जिस ट्रैप में कभी कश्मीर फंसा था, जिस ट्रैप में कभी भारत फंसा था, और सूफीवाद। तो जान लीजिए कि इराकी कौन था, इराकी शिया था, और वो जो कश्मीर घाटी में आया उसने पूरे घाटी को बदल दिया सूफी, जिसके लिए कहा कि वो मारने लगा, जनेऊ तलवाने लगा, भागो कन्वर्ट हो, खतना कराओ, बीफ मूवमेंट हो, तो जो फिल्म का डायलॉग है
वो एक सूफी संत की आर्मी, यानी सूफी संत जो आप जाते हैं चादर चढ़ाने ना, बहुत सारे अजमेर जाते हैं, वो जो आप चादर चढ़ाने जाते हैं वो चादर आप अपने कफन की तैयारी करते हैं। सीधी सी बात है। अब ये जो इराकी था ये शिया था, तो एक बात स्पष्ट कर लीजिए कि वो अपने मजहब में अस्पष्ट है, आप कंफ्यूज है, आप यानी हिंदू कि पूरी जाति हिंदू, जाति हिंदू धर्म कंफ्यूज लोगों का धर्म है। वो इतनी सुंदर धर्म जिसमें कृष्ण जैसे पूर्ण परमात्मा ने जन्म लिया, उसके वंशज पता नहीं कैसे निकल गए, वो पूरी कंफ्यूजन में वो जीते। तो कंफ्यूज लोगों ने कहा सिया अच्छे, सूफी अच्छे, तो इराकी सिया भी था और सूफी भी था, ठीक है। इराकी जो है ईरान का था, ईरान से गिलगित और कुर्द होते हुए लद्दाख में जो है होते हुए वो कश्मीर में आया था। गिलगित बलिस्तान जो वो है पूरा रास्ता, और लद्दाख होते हुए कश्मीर में आया, और इसने एक मजहबी मिशनरी के रूप में पूरे कश्मीर को कन्वर्ट करने के लिए काम किया, और उसमें जो है पूरे उस एरिया में शिया का संस्थापक, इस्लाम के संस्थापक के रूप में वो जाना जाता है। ये सूफीवाद है, आप देखते जाइए। इसलिए उस डायलॉग को फिर से सुनिए, उस पूरे कश्मीर फाइल का, वो जो एनयू में खड़ा होकर कृष्णा डायलॉग देता है उसको पुनः सुनिए। और मैं अपने महिला मैं पाठक दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे लिए रिकॉर्ड करके भेजा, और तभी मैं आपको उस इराकी की कथा सुनाता हूं कि सूफी के आर्मी कैसे हिंदुओं के साफ किए गए सूफी वालों ने। तो ये ईरान से आया था और गिलगित लद्दाख होते हुए आया था, और ये इसको सिया का जितना प्रभाव जो आसपास में है पूरा कश्मीर में, वो पूरा सूफीज्म वो उसको इसने स्थापित किया, और उसने जो है कश्मीर का हरा सैन्यकरण किया। सूफी को सैन्यकरण से क्या मतलब, यानी सैनिकों के दस्ते बनाकर कश्मीरी पंडितों को हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया। फारूक अब्दुल्ला की तीसरी पीढ़ी हिंदू ही थी, आप देखोगे इन सब का, तो सैन्यकरण किया गया, पूरा सैनिक दस्ते तैयार किए गए कन्वर्जन के लिए, और उसके बाद जो है वो काफी बड़ा प्रभावकारी साबित हुआ उसने, और उसने काफी सारी पुस्तकों के भी अनुवाद किए, अरबी में किया उसका, और वो नूर बख्शिया सूफी इस्लामी और मतलब वो पूरा उस संप्रदाय की स्थापना की उसने यहाँ पर जो है, और उसको श्रीनगर जो है जद्दीबल में उसको दफनाया गया जब मरा, वहां भी सर पीटते हैं हिंदू अपने ही संघारक को का सर जाके पीटते हैं, और उसके बाद में उसके शरीर को चदुरा में स्थानांतरित किया गया जहां एक सूफी इस्लामिक दरगाह जैसे बना दिया गया, और वो जो है उसको इस्लाम में बड़े इमाम का दर्जा मिला हुआ है। पूरा सैन्यकरण किया उसने, तो कश्मीर को कन्वर्ट, कश्मीर का पहला राजा रिंचन उसको कन्वर्ट करके हिंदू से इस्लाम में लाया, सरफुद्दीन अब्दुल रहमान उर्फ बुलबुल शाह, यानी सूफी ने क्या किया ये देख लीजिए। उसके बाद जिसने सैन्यकरण करके सैनिकों के बल पर हिंदुओं को कन्वर्ट किया, उसका नाम था मीर शमसुद्दीन इराकी। यानी जो आपको हमको धतूरा पिलाया गया भांग, मुझे भी पिलाया गया, बीए में बीएचयू में ही पढ़ा हूं मैं, पर इतिहास में वही था कि बाबा सूफी तो ऐसा लगता था कि पढ़ के बस, और बड़े बड़े लोग इस चक्कर में आए जब तक वो इतिहास नहीं पढ़े। और उसके बाद जो है एक शेख नूरुद्दीन नाम के भी वहां सूफी संत सूफी हुए संत, तो क्या कहूंगा, और उसको कहा जाता है वो नुंद ऋषि थे, नुंद ऋषि से नूरुद्दीन बने, और ऐसा बने कि साफ किया सबको, क्योंकि हमारे सबके अंदर एक देव है एक असुर है,
और जिसने देव को नहीं जाना वो असुर होने के लिए बिलबिलाता ही है, असुर का रूप उसका कभी भी बाहर आना चाहता है। एक ऐसा मजहब है जो असुरवाद का मजहब है, वो आसुरी शक्ति उसके और उभार देता है। महिलाओं को उठाना, मारना, छीनना, ये सब जितने कुकृत्य हैं, तो वो उसको जब एक मजहब का आड़ दे दिया जाता है तो वो वहां पुण्य बन जाता है। इसलिए कई लोग जो कन्वर्ट हुए वो ज्यादा ही क्रूर हुए, क्योंकि यहाँ वो देख उनको नैतिक दबाव में थे, वहां जाते ही अनैतिकता नंगे होके घूमने लगे। तो नंगा घूमता है तो आप जानते हो, या तो पागल हो जाता है या बिल्कुल ही अराजक तत्व बन जाता है। तो अराजक तत्व बने और इन्होंने पूरे कन्वर्जन का खेल खेला पूरा पूरा। तो बड़े पैमाने पर ये जो धंधा चला, ये धंधा सूफीजम की आड़ में, इसलिए जो आप अजमेर जाते हो, दिल्ली जाते हो, माथा टेकते हो, कभी आपको अपने अंदर झांको कि आपके पूर्वजों को जिसने साफ किया उसे शायद धन्यवाद दे रहे हो कि अच्छा हुआ मेरे पूर्वज मार दिए, मेरा कोई डीएनए नहीं रहा। धन्यवाद देने जाते हो, क्या करने जाते हो, पता नहीं क्या करने जाते हो। तो इस एराकी की उस पूरे लाइन को आप सुनिएगा कि एराकी क्या कर रहा था, कृष्णा ने जो कहा है, और इसीलिए मैंने आपको एराकी की कहानी बताई पूरा। मुझे तो मैंने कहा है किसी को, अपने सोनाली जी को कहा है कि ये जो सूफी की आड़ में सारा खेल हुआ, सारे प्रमुख सूफी तथाकथित संतों को एक्सपोज करो, पुस्तक लिखकर एक्सपोज करो, पुस्तक लिखो सबके, और फंड लोगों से इकट्ठा करो, और आसपास जितने जहां पे ये मजाक बाजार बनाए वहीं जाकर बंटवाओ इस किताब। ये मूड पढ़ें सलार गाजी के, और सलार गाजी के भी उस पे जाके ये जो है जिनको राजा सुहेल देव ने साफ कर दिया उस पे भी माथा पीटने जाते हैं। और ये जो अजमेर वाला है ये गोरी की सेना के साथ आया था, बड़े पैमाने पर इन लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ भारत के साथ बर्ताव किया और यहाँ के इतिहासकारों ने, तो आज अगर एक इतिहास सच आ रहा है तो वो गाली दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको सच नहीं पता चलना चाहिए, उन्होंने पूरी व्यवस्था की है। तो कश्मीर फाइल जिन्होंने देखा वो इराकी के बारे में पढ़े कि इराकी कौन था, और आपको तब पता चलेगा कि जिन शासकों ने जितने बड़े जुर्म नहीं किए उतने इनके तथाकथित संतों ने किए हिंदू समाज के साथ। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा सताया हुआ समाज कोई है तो यहूदी नहीं है जी, यहूदियों ने तो बहुत साफ सर्वनाश भी किए, हिंदू ने किसी के नहीं किए, हिंदू है सताया हुआ। दुनिया का अकेला बहुसंख्यक, शर्म आनी चाहिए हम सबको, लेकिन सुनते जाइए, दुनिया का अकेला बहुसंख्यक जिस पर अल्पसंख्यकों ने राज किया, दुनिया का अकेला बहुसंख्यक जिसको औकात में रखता है यहाँ का सत्ता प्रतिष्ठान, जिसके लिए कोई विशेष सुविधाएं नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुविधाएं हैं, तुष्टिकरण की बाढ़ है आजादी के बाद। दुनिया का पहला ऐसा बहुसंख्यक जो समानता के की मांग करते हुए रिगट रहा है अपने लोकतांत्रिक परंपरा में संविधान के अनुसार, उसे नहीं दिया गया, और दिया गया इसके सर्वनाश करने वाले उन मजहबी लोगों को। दुनिया का अकेला बहुसंख्यक जिसको अपनी शिक्षा संस्थान, अपनी धार्मिक शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार नहीं है, बल्कि उसी देश में अल्पसंख्यकों को पूरा अधिकार और फुल फ्लेज अधिकार है। दुनिया का अकेला बहुसंख्यक जिसको अपने मंदिरों का, अपने धार्मिक संस्थानों पर अधिकार नहीं है, सरकार उसका खून चूसती है, निर्दल से निकालती है, उस पैसे को वो कन्वर्ट करके फ्री एजुकेशन उन अल्पसंख्यकों को देती है, फ्री कोचिंग, फ्री ये, फ्री 45 योजनाएं चलाती है, और ये 70 साल से भी हो रहा है। जितना अंग्रेजों ने नहीं किया बुरा लगेगा आपको, जितना अंग्रेजों, मुगल, तुर्कों ने नहीं किया अगर आप तुलना करोगे तो 70 साल में आपके साथ इन लोगों ने किया है, जिनको आप लोकतांत्रिक ढंग से, आपको, हम, आपके बाप, हमारे बाप दादा, नाना नानी, सभी इन लोगों ने चुने और आज तक वही। इसलिए आपको सच जानना होगा, इसलिए आप किसी मोह में ना मत फंसिए। कश्मीरी फाइल्स के एक एक रेशे रेशे पे मैं बात कर रहा हूं, उस रेशे को समझिए। आप सिर्फ यही, किसी का टूल मत बन जाइए पॉलिटिकल, आप
एराकी को समझिए, और जब हमारे नेता कहें कश्मीर सूफी परंपरा का था तो आप कहें कश्मीर फाइल की तारीफ तो कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, उसमें सूफी एराकी के बारे में कहा, वो का आपने सुना नहीं क्या? अपने अधिकार छीनो, अधिकार बहुत मांग लिए, और अधिकार छीनने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी अपने शिक्षण संस्थान, अपने अपने धार्मिक संस्थाएं, और आपको इतिहास से, इसीलिए मैं इतिहास को बताने का, आपको इतने सारे आपने कश्मीरी फाइल में किसी ने आपको एराकी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि फिर वो बोलने में नहीं बनेगा कि कश्मीर सूफी संतों की जगह थी, बनेगा नहीं। कश्मीर सैव भूमि थी, कश्मीर में बौद्ध धर्म, जो आपको कनिष्क का चौथा बौद्ध संगीती का आयोजन वही कश्मीर में हुआ है। कश्मीर की जो कश्मीर है वो शहर अशोक के समय बौद्ध, लेकिन बात किसकी होती है? सूफी की। तो आप सब से मेरा अनुरोध है कि आप सब प्लीज इस चीज को समझिए, इतिहास आपके साथ बहुत, आप लोगों के साथ, हमारे पास आपको मैंने शिव सूत्र कुछ दिए थे, बताए थे, ये जो शिव सूत्र है ये वस्तु कश्मीरी का के सैब की वो जो आधार भूमि है वो शिव सूत्र है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये रहा शिव सूत्र, हालांकि ये तो ओशो का है, ओरिजिनल मेरे पास है, ये देखिए शिव सूत्र है, शिव सूत्र, ये शिव सूत्र जो है ये वसुगुप्त, वहां जो वसुगुप्त थे, वसुगुप्त को भगवान शिव ने स्वयं स्वप्न में प्रकट होकर आदेश दिया कि कश्मीर में महादेवगिरी के एक शिलाखंड पर शिव सूत्र उत्कीर्ण है, उसे जनता तक ले जाओ, अध्यात्म की धारा उसके जरिए बहाओ और उसे समझो और समझाओ। वसुगुप्त जब वहां पहुंचे तो महादेवगिरी का सर्वेक्षण किया तो शिला पर 77 शिव सूत्र उत्कीर्ण थे, उस शिला पे 77 शिव सूत्र उत्कीर्ण थे, और तब जो है इस शिला को आज भी लोग शिव शिला कहते हैं। वहीं से शिव सूत्र, यानी शिव सूत्र स्वतः प्रकट हुआ, वसुगुप्त उसको आम जन तक पहुंचाने वाले साबित हुए, उस शिव की भूमि को सब भूल गया, सूफी सूफी करता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है, बाद में जो है वसुगुप्त के शिष्य हुए कल्लट, एक और शिष्य हुए सोमानंद, इन्होंने इसको पूरा दार्शनिक आधार प्रदान किया। और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रत्यभिज्ञा शैव यानी कि जो परम शक्ति है, अहम शिवोस्मी शिवोहम प्रत्यभिज्ञा शैव, यानी मैं ही शिव हूं, यानी अहम ब्रह्मास्मी, उपनिषद का जो उद्घोष है वो शिव सूत्र से। और वहां सूफी तो एक अल्लाह मानता है, एक किताब मानता है, तो शिव जो वास्तव में कश्मीर, कश्मीरियत किसको कहा जाता है? सूफीज्म को। सूफीज्म में दो का भेद है, कहते इस्लाम एकेश्वरवाद है। कैसे एकेश्वरवाद है भाई? तुम्हारे में तो त्रेश्वरवाद है, तुम हो, तुमको वहां तक पहुंचने की भी आज्ञा नहीं है, पैगंबर साहब हैं, उसके बाद वहां अल्लाह है। हाँ, कहां हो एकेश्वरवाद? हिंदू ने तर्क में नहीं जीत सकते, लेकिन हमें वसुगुप्त का पता नहीं है, तो हमको तो कोई भी टहला देता है।